हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस पे। आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए सीखते हैं कि हम किसी भी रेवेंट का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें बेसिकली चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। क्या क्या? आपको एस पी डी एफ के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। कौन कौन सी बातों को मैंने बोला आपको? एस बोला, पी बोला, डी बोला और एफ बोला। तो देखिए, एक बेसिक सा सिंपल फंडा इसको याद करने का है कि आप एस को एक नाम दे दो। क्या नाम दिया आपने? सन दे दो। इसको क्या बोला आपने? पप्पा। क्या बोला? पप्पा। और डी का मतलब क्या हो गया आपका? डैडी। और एफ को क्या बोल दो? फादर। आपने इसको बोल दिया क्या? एस यानी सन हो गया आपका, पी हो गया क्या? पप्पा हो गया, डी मतलब डैडी, एफ मतलब क्या हो गया? फादर। तो देखिए, अब इसके आगे क्या करना है आपको? एक एरो लगा लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ एरो लगा लो, उसके बाद यहाँ एरो लगा लो, उसके बाद जो आपका डी एफ तक गया है वहाँ तक एरो लगा लो। इसके बाद क्या करना है आपको? दो दो बार लिखना है। जैसे कि यहाँ से क्या करना है आपको? इसको दो बार, फिर नीचे से ऊपर तक एक एक क्रम को बजाना है और दो दो बार लिखना है। जैसे एस एस, फिर क्या लिखोगे? पी एस पी एस, फिर क्या लिखो? तो थर्ड वाला यहाँ पर है ना, तो थर्ड यहाँ से स्टार्ट करोगे, डी पी एस डी पी एस। फिर फर्स्ट कहाँ है? फोर्थ कहाँ है? यहाँ पर है, तो क्या ऐसे स्टार्ट करोगे? एफ डी पी एस एफ डी पी एस। तो ठीक है, चलिए अगर इसको इस तरीके से पढ़ते तो कैसे पढ़ेंगे? सन सन, पप्पा सन, पप्पा सन, डैडी पप्पा सन, डैडी पप्पा सन, फादर डैडी पप्पा सन, फादर डैडी पप्पा सन। चलिए अब इसको लिखते हैं। आसान तरीका है ना, पक्का ना? चल आइए इसको देखते हैं। अब अपने पास क्या है, हम क्या लिखेंगे? सन सन, पप्पा सन, फिर क्या लिखेंगे? हाँ, पप्पा सन, फिर डैडी पप्पा सन, फिर डैडी पप्पा सन, फिर क्या लिखते? अच्छा, फादर डैडी पप्पा सन, फादर डैडी पप्पा सन। ठीक है, तो देखिए ये लिख लिया। चलो, तो एक बात और आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारे आपका एस होता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो होते हैं। और जो पी होता है, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? छः होती है। और जो आपका डी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दस। और जो आपका एफ होता है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ तक काम हो गया अपना, ठीक है? अब एक चीज़, अब देखिएगा जरा मेरे हाथ को गौर से देखिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एस पी डी एफ, सन पप्पा डैडी फादर, सन पप्पा डैडी फादर। एस यानी एस कहाँ स्टार्ट हुआ आपका? एस के देखिए मैंने क्या किया, एक उंगली किया है ना, तो यानी जो आपका एस होगा स्टार्टिंग कहाँ से होगा? एक से होगा। तो जो नंबर होता है आप यहाँ से लिखते हो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होता ही नहीं है। बस ये याद करने का तरीका होता है, यहाँ पे आप 8 मत लिखिएगा, 7 ही आवर्त होते हैं, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बस इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक तरीका होता है, ट्रिक होता है याद करने के लिए, तो बस बना दिया था। ठीक ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब S के बाद क्या आता है? S P, P कहाँ स्टार्ट होगा? 2 से। तो क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 6 7, याद रख, लिख लिया। अब S हो गया, P हो गया, अब क्या बचा? D, D कहाँ स्टार्ट होगा? 3, तो कहाँ स्टार्ट करेंगे? 3 से। तो लिखे 3 4 5 6, लिख लिया। अब उसके बाद क्या बचा? एस पी डी हो गया, उसके बाद बचा क्या? एफ। एफ किस नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। तो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 5। तो ये देखिए, जो आपका ये हो गया, अभी 50% काम हुआ है, ठीक है? अभी आपको कुछ, अभी आपका कुछ पार्ट इसका बाकी हुआ है। तो यहाँ तक तो आसान था कि सर हमने क्या किया, सन सन, पप्पा सन, पप्पा सन, डैडी पप्पा सन, डैडी पप्पा सन, फादर डैडी पप्पा सन, फादर डैडी पप्पा सन, लास्ट वाले सन को गायब कर देना है, ठीक है? तो यहाँ तक तो सर आसान था, आपने सीख लिया। अभी हमने आपको बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अब उस ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आप उसके ऊपर लिख दोगे। तो एस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सर यहाँ पी आ गया, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ 2, 10, 6, 2 और एफ में 14 होते हैं, डी में 10 होते हैं, पी में 6, यहाँ 2, 14, 10 और 6। तो
तो आप इस तरह से इसको भर सकते हो। तो देखिए ये तो आपका ये हो गया, लेकिन ये जो फॉर्म होता है ये एनर्जी की क्या होता है, बढ़ता है। यानी इसकी आपका जो पहला वाला ऐसा है इसकी एनर्जी कम होती है किससे, इससे, यानी इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा होगा। अब इनमें कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा कौन होगा, ये होगा। तो ये क्या होता है, एनर्जी का बढ़ता हुआ फॉर्म में इसको लिखा जाता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल को समझते हैं कि भैया कैसे होगा, क्या होगा, आप कैसे इसको निकाल सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। जैसे अगर आपको क्वेश्चन ये बोल दिया कि आप परमाणु क्रमांक, या फिर आपको बहुत शॉर्ट में दे देगा, बोलेगा जैसे जिंक का, आपको बोलेगा कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो कैसे निकाले। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एटॉमिक मास होता है, सॉरी नंबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है, 30 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, तो अब इसको निकालना आसान पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे तो देखिए हमें हम अपने को पता है लॉजिक क्या है, सन सन पप्पा सन, पप्पा सन डैडी पप्पा सन, फिर क्या होगा, फिर डैडी पप्पा सन हो गया, डबल डबल होगा, सन सन पप्पा सन डैडी पप्पा सन डैडी पप्पा सन। आप इसकी बादली ले जा सकते हो, लेकिन ये देखो अमाउंट कितना है इसके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुत कम है। तो कोई ज़्यादा फालतू काम क्यों करें हम लोग उतना यूज़ करते हैं जितना हमको चाहिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 30 है। तो हमारे पास पता है कि जो एस होता है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, मैक्सिमम 2, उससे कम हो सकते रख सकते हो, लेकिन आपका पास अधिकतम कितने रख सकते हो, 2। तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 10, 30, यानी इतने में हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो इनको क्या करते हैं, हम लोग गायब करते हैं। तो आइए, अब एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1, 2, 3, 4 यूज़ कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है, एस, फिर पी, पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2, 3। अब उसके बाद क्या होता है, एस पी डी, डी का आंसर होता है 3 से, तो आप यहाँ पे क्या कर लिया, आपने 3 रख लिया। तो देखिए ये जो आपका फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म होता है, एनर्जी के बढ़ते हुए फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप आंसर में ये लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि देखिए आपका 4 आ गया बीच में और यहाँ पे क्या 3 है, तो आपका 3, 4 आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा विद द असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन अगर करना रहेगा तो आप कैसे यूज़ करोगे इसको। तो देखिए पहला वाला लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1s2, फिर कॉमा लगाते हैं। ठीक है, फिर 2-2 वाला जो रहेगा, यानी ये दोनों, इनको क्या करेंगे, एक साथ लिख लिया जाएगा। तो एक साथ जब लिखा जाएगा तो क्या क्या होगा, 2s2 2p6, फिर कॉमा देंगे। फिर 3 वाला देखिए, 3 यहाँ है, यहाँ एक 3 यहाँ है, तो तीनों को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3s2 3p6 3d10, फिर कॉमा लगाएंगे। और जो आपका 4 वाला है, 4 को बाद में लिखोगे, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, दोनों पोर्शन आपको लिखना आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, ऑर्बिट में कैसे आप उस प्रेजेंट होते हैं, उसको आप एक अवरोही क्रम में लिख दिए हो। ठीक है, सॉरी आरोही क्रम में। ओके, चलिए अब चार्ज के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज रहा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम चलिए हम जेडन की ही बात करते हैं। अगर मैं जिंक का ही उठाया तो जिंक पे अगर मान लीजिए अगर इस पर डबल प्लस आ गया, क्या आ गया, डबल प्लस आ गया, तब कैसे निकालेंगे। तो अपने को पता है कि इसका सर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है। तो इसका वही सिंपल सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए सर लगा क्या है, प्लस का 2 लगा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिक सा फंड है भैया, पहले आप क्या करो उसको, अभी नेगलेक्ट करो उसको। ठीक है, अब इसके ऊपर ध्यान ही मत दो, ये मानो कि आपके पास नॉर्मल कितना है, 30 है। तो अगर इसका निकाला रहेगा तो कैसे करोगे आप, सेम टेक्निक है, सन सन पप्पा सन डैडी पप्पा सन डैडी पप्पा सन। चलिए इतने में काम हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं लिखता मैं। तो देख अपने पास एस है ना, एस में क्या होता है, 2, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, यानी इधर जो बाकी बचा है उसको क्या करने का, इरेज करने का, कर दिया इसको इरेज। तो देख बच्चा अपने पास जो लॉजिक है कि सर अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो यहाँ देखिए प्लस का आ गया, तो अब ऐसा क्यों, तो भी बच्चा अभी क्या करने का, इसको नेगलेक्ट करो अभी, अगर अभी इसको कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, फॉर्म लिखो, आपका एस कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से होता है, तो 1, 2, 3, 4। अब एस के बाद क्या आता है, पी, पी क्या हो गया आपका, 2, 3,
अब डी कहाँ से स्टार्ट होता है, तीन से, तो तीन। अब देखो इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है कि देखो इनके बीच में चार का भी आ गया, इसलिए प्रॉब्लम। और आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कब करता है, जब वो अपने लास्ट ऑर्बिट यानी लास्ट कोस में रहता है तब वो लेन देन करता है। और जबकि इसका लास्ट जो कोस है यहाँ नहीं है बल्कि कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसलिए इसको पहले क्या करते हैं, क्रम से लिख देते हैं। चलिए इसको क्रम से लिखते हैं, तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6। फिर क्या होगा, 3 वाले को लिखते हैं, तो देखिए 3s2, 3p6। अब बचा क्या, 3 वाला बचा है ना अभी, तो इसको क्या करेंगे, साथ में लिख दीजिएगा 3d10। फिर कॉमा देखिए क्या लिखेंगे, 4s2। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है यानी किसी को दिया है। अब इसका जो दो इलेक्ट्रॉन गायब होगा, कहाँ से गायब होगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल यानी जो सबसे बाहर का कोश होगा वहाँ से इसके दो इलेक्ट्रॉन गायब होंगे। यानी यहाँ से अगर एस का ये गायब हो जाएगा तो ये क्या होगा बचेगा, आपका सिर्फ इतना बचेगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत लोग के माइंड में क्या होता है कि सीधे आप यहीं से गायब करते हो कि सर यहाँ 2800 इलेक्ट्रॉन बचा, आप यहाँ पे 8 लिख देते हो, वो गलत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गायब होते हैं यानी कहाँ से शेयरिंग या लिख करते हैं, ये सबसे जब बाहर वाला कोश रहता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो अगर जरा से भी अगर आपकी हेल्प हुई होगी तो हमारी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।